जय हिंद साथियों, गरुणा फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा एक अपने जो कल हमारा फिजिकल एमपी पुलिस का स्टार्ट हुआ है उसमें हमारे एकेडमी के जो बच्चे गए हुए हैं उनसे आज हम रिव्यू लेंगे कि वहां से किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या क्या उनका परफॉर्मेंस रहा, गोला फेंक, रनिंग, लॉन्ग जंप और क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब के बारे में आज हम एक अपनी छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही जानकारी लायक ये वीडियो होगी। तो आप हमारे रिव्यू के साथ बने रहें। मंगल सिंह हैं, कल इनका एमपी पुलिस का फर्स्ट डे में फर्स्ट फिजिकल हुआ है, तो आज इनसे जानेंगे कि वहाँ शुरू से लेके एंड तक क्या क्या चीज़ें प्रोसीजर होती हैं जो सबके लिए बड़ी कल्याणकारी रहेंगी। एक बार मंगल सिंह का तालियों से सभी स्वागत करेंगे। धन्यवाद विद्यारो, वेरी गुड। अब हम मंगल से जानेंगे शुरू से लेके एंड तक की प्रोसीजर की क्या क्या इनके साथ हुआ, तो वो आप अपना एक पूरा रिव्यू बताएं। हाँ सर, पहले तो यहाँ से जाएंगे तो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को ले जाते हैं, तो सबसे पहले टोकन मिलता है। जैसे अपन गेट पे जाते हैं, नीचे का गेट है, वहाँ गए दिखाया तो एक टोकन मिलेगा। टोकन नंबर लेने के बाद ऊपर पहुँच जाते हैं, ऊपर 10-10 की फ़ाइल बन जाती है। 10-10 की फ़ाइल में फिर वहाँ एक फॉर्म मिलता है जिसमें IGC मतलब सेंटर का नाम भरना है, अपने पूरी डिटेल भरनी रहती है। उसके बाद वहाँ टोकन जमा हो जाता है, वो फॉर्म जमा हो जाता है। उसके बाद जाते हैं, देन बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक होते ही हमको एक वो चेस्ट नंबर मिल जाता है जिसमें दो बोर्ड लगे रहते हैं स्कैनर। हाँ। जैसे मतलब काउंट होता है हमारा कि हमने कितने में टाइमिंग लगाई है, कितना लॉन्ग जंप हुआ है, उसी से होता है। उसके बाद जैसे ही मिलता है फिर वहाँ आराम से तुम्हें टाइम मिलेगा, वार्म अप करना है, वार्म अप करते रहो, पानी पीना है, किसी को टॉयलेट टॉयलेट जाना है तो उसका टाइम मिलता है भरपूर। यानी जो फर्स्ट में आपका आधार से बायोमेट्रिक होगा, आधार कार्ड ले जाना है आपको, 10th की 12th की मार्कशीट ले जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने हैं। वहाँ सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा, आपका ग्रुप बनेगा, आपको जैकेट दी जाएगी और आपको 10-10 के ग्रुप में आपको बिठाया जाएगा। तो इनका कहने का ये है कि जो सबसे पहले जाएगा वो पहले ग्रुप, पहले जाओ पहले पाओ, ये मतलब जो पहले बंदे जाएंगे उनका ग्रुप पहले बन जाएगा, है ना जी। हाँ, आपका ग्रुप बन गया। हाँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगा? ग्रुप बना तो फिर रनिंग के लिए जाते हैं, फिर रनिंग के लिए वहाँ वो 10 मिनट का टाइम देते हैं, आप वार्म अप कर लो, उसके बाद फिर पानी यानी पी लो, जो भी करना है उसके कर लो। फिर एक लाइन लग जाती है जो इसके मतलब सेंसर लगे हैं उसके पीछे लाइन लगती है 10 लोगों की, और उसके बाद देन पहले को छोड़ेंगे, उसके 2 सेकंड बाद दूसरे को छोड़ेंगे, 2-4 सेकंड बाद तीसरे को छोड़ेंगे, मतलब एक 2-4 सेकंड का अंतर रहता है उसमें, उसके बाद छोड़ते हैं। बस पहला राउंड कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, रनिंग कंप्लीट हो जाती है, सेंसर के नीचे से तेज़ी से निकलना अपन को। जैसे गए पहला राउंड, कई लड़के ऐसे खींच देते हैं, दूसरे राउंड में बिल्कुल डाउन पड़ जाते हैं, लगा ही नहीं पाता है। तो ऐसा करना है कि पहले राउंड में बिल्कुल आराम से दौड़ना है, ऐसे कि जान बची रहे दूसरे राउंड में। मेरा भी मतलब ऐसे हुआ था कि मैं पहले राउंड में थोड़ा तेज़ दौड़ गया था, दूसरे राउंड में 200 मीटर में डाउन पड़ गया था। तो ऐसे ही दौड़ना है, आराम से दौड़ना है। पहला राउंड 2:10 के समथिंग मतलब 1:10 के समथिंग आ जाए, ऐसा नहीं कि 1:05 में हन रहे हैं, 1 ही मिनट में आ रहा है, फिर दूसरे में दम ही नहीं बच रही है। ऐसा दौड़ना है कि दूसरे में जान बची रहे, जिससे लास्ट का फिनिशिंग रहे जो बहुत अच्छी रहनी चाहिए जी, क्योंकि फिनिशिंग ज़्यादा ज़रूरी है सर। हाँ बिल्कुल। बस सेंसर के नीचे से अपन को बहुत तेज़ी से निकलना है, जैसे अपना वहाँ सामान रखा रहेगा वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर एक वहाँ LED लगी रहती है, उसमें पूरा तुम्हारा टाइमिंग कितने में है, जो मिनी सेकंड भी शो होते हैं क्योंकि मिनी सेकंड में भी नंबर है, वहाँ पूरा नंबर नाम के साथ नंबर शो होगा, टाइम शो होगा। उसके बाद तुम्हें फिर एक ग्रुप में, जैसा तुम्हारा ग्रुप है उसको अलग बैठा दिया जाएगा, लॉन्ग जंप या शॉर्ट पुट के लिए। शॉर्ट पुट के लिए तो अभी जिस प्रकार बताया कि जो फर्स्ट में रनिंग के लिए आप 10 बंदों का ग्रुप है वो एक साथ खड़ा हो जाएगा और टाइमिंग के अनुसार एक एक करके उनको रिलीज़ किया जाता है ट्रैक पे। जब उनको वार्म अप का सबका भरपूर टाइम मिलेगा, वार्म अप करने का, पानी पीने का, जो भी उनको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है ट्रैक पे उसका टाइम दे दिया जाएगा। उसके बाद इनको एक के बाद एक करके कुछ सेकंड्स के अंतरालों में छोड़ा जाएगा। तो इन्होंने जो बताया कि जो इनने जो अपनी टाइमिंग लगाई उसमें जो इनको अनुभव हुआ कि जो फर्स्ट राउंड है उसको ज़्यादा तेज़ ना खींचें, नॉर्मल जिस तरीके से आप दौड़ते हैं, और सेकंड राउंड को स्पीड अप करें और जो आपका स्कैनर लगा है उसके नीचे से बड़ी तेज़ी से निकलें जिससे कि वो स्कैन अच्छे से कर ले, है ना जी सर। ये उसके बाद जब 10 बंदों का अपना ये रनिंग हो जाती है तो उनको एक जगह ले जाके दूसरी जगह लॉन्ग जंप या फिर गोला के लिए बिठा दिया जाता है। अब नेक्स्ट,
उसके बाद जैसे ही मतलब टाइम मिलता है कि तुम्हें अगर खाना आना है कुछ भी ड्राई फ्रूट जो भी आप लेके गए हो साथ में, तो इलेक्ट्रोलाइट बढ़िया पी सकते हो, खाओ पियो। आधा एक घंटे का टाइम मिलता है अगर बैच सामने खड़ा है तुम्हारे और कोई, अगर फ्री है तो तुम डायरेक्ट वहाँ से रनिंग करके 5-10 मिनट में सीधे लॉन्ग जंप या शॉर्ट पुट के लिए चले जाओगे। ये फिक्स नहीं है कि शॉर्ट पुट होगा पहले या लॉन्ग जंप होगा, जो आपको खाली मिल जाएगा वो पहले करा दिया जाएगा। जैसे शॉर्ट पुट मिला तो हम लोग को पहले शॉर्ट पुट मिला था, तो हम लोग 10 बंदे थे, 10 बंदे में पहले जैसे मेरा नंबर पहले था तो मैंने पहले फेंक लिया, उसके बाद फिर 9 बंदे फेंक लेंगे उसके बाद मेरा नंबर आएगा। मतलब ऐसे नहीं कि लगातार नहीं मिलता, एक साथ आपको तीन अटेम्प्ट नहीं मिलते हैं। पहले एक अटेम्प्ट मिलेगा, उसके 9 बंदों के बाद आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा, फिर नौ बंदे करेंगे, फिर तीसरा अटेम्प्ट मिलेगा। मतलब ऐसे आपको 30 अटेम्प्ट मिलेंगे, है ना, 30वें अटेम्प्ट में आप आएंगे, तीसरा अटेम्प्ट मिल पाएगा। बिल्कुल। उसके बाद लॉन्ग जंप में पहुंच जाते हैं तुरंत ही। तो उसमें क्या अपना ये जो अपना शॉर्ट पुट का है उसमें फाउल होता है क्या? हाँ सर, एक लड़के का, मेरे ग्रुप में सिर्फ एक लड़के का हुआ, क्योंकि वो पटिया लगा है आगे। अगर आप उसके ऊपर टच करते हैं, आप उसमें ऐसे पैर लगा लेते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसके ऊपर टच करते हैं तो फाउल मानेंगे। अच्छा, जो अगर फाउल अगर पैर टच हो जाएगा तो फाउल हो जाएगा, टच होगा। अगर आप ऊपर से भी निकाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। आप गोला के बाहर टच नहीं होना है, कुछ भी कर लो, आप गोला में गिर जाओ कुछ कर लो, एक बार आप गोला के अंदर गए तो गोला के बाहर टच नहीं करना है कुछ भी करके, तो फाउल हो जाएगा। आप गोला के अंदर गिर जाओ कुछ कर लो तो फाउल नहीं माना जाएगा, और उसके ऊपर टच नहीं करना। हमारे जैसे नॉर्मली गोला में किसी का फाउल नहीं होता, एक बंदे का हुआ था, वो थोड़ा टच हो गया था, ऊपर पैर उसका ऐसे गया था तो थोड़ा टच हो गया था तो फाउल हुआ था। तो यानी गोला लगभग, आप गोले में क्या अपना रिव्यू देना चाहेंगे कि अगर किस तरीके से गोला को अगर सीक्वेंस से फेंका जाए तो ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट? ज़्यादा कुछ नहीं है, आप जैसे अगर जल्दी नहीं मिल रहा है फेंकने के लिए तो आप वहाँ से थोड़ा वार्म अप करके आए, पुशअप लगा लें आराम से 10-12, फिर उसके बाद फेंकें, क्योंकि बॉडी थोड़ा ठंडी पड़ जाती है। तो जैसे आपका नंबर आने वाला है, बढ़िया आराम से थोड़ा पुशअप लगा लें जैसे बॉडी गर्म हो जाए, उसके बाद देन फेंक लें। अगर आपको 3 अटेम्प्ट इकट्ठे मिलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बेटर रहेगा, लेकिन वहाँ मिलता तो है नहीं, मिलता नहीं तो इसलिए अपन को एडजस्ट करके रखना है बॉडी को, कि पुशअप लगा लें कुछ भी करके बॉडी को गर्म कर लें, वार्म अप जरूर रखना है। ऐसे नहीं कि आराम से गए बैठे रहे फिर उसके बाद फेंक, खड़े होकर बैग फेंकने चले गए, क्योंकि आपकी बॉडी चार्ज अप नहीं है, अगर चार्ज नहीं रहेगी बॉडी तो आप फेंक नहीं पाओगे। जी जी बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का जैसे ही शॉर्ट पुट हुआ तो लॉन्ग जंप के लिए ले गए, वहाँ भी थोड़ा वेट करना पड़ा हम लोग को, क्योंकि दूसरा ग्रुप लगा हुआ था। 10-15-20 मिनट बैठे आराम से पानी वानी पिए और लॉन्ग जंप के लिए चले गए, वहाँ भी यही प्रोसेस थी। 10 बंदों में मेरा जैसे मेरा पहला नंबर है तो मैं पहले नंबर पर जाऊँगा, और जैसे ही मेरा हुआ वहाँ पूरी जैसे अगर आपको मशीन से चेक नहीं होगा, उसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चेक होता है पूरा कि तुम कितने कूदे। हाँ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप फीते से भी नपवा सकते हो, इंची टैप से भी। तो कई लड़के हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नापा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नापा जा रहा है। जैसे एक लड़के को हमारे में ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं ज़्यादा कूदा हूँ और इसमें कम बता रहा है, तो उसने बोल दिया था, तो उसका 2 बार नापा गया था, लेकिन वो फिक्स ही था, जितना उसमें बताया था उतना उसमें भी था। तो क्या इसमें भी लॉन्ग जंप में फाउल वगैरह का क्या है सिस्टम? फाउल हो रहा है मेरे ग्रुप में किसी का, तीनों तो किसी के फाउल नहीं हुए। अच्छा, रेयरली एक बच्चे के बस 2 हुए थे फाउल, एक उसका वेस्ट था 4.42 कुछ था, पता नहीं, लेकिन जितना भी होगा सबका 3, किसी का फाउल नहीं हुआ। मेरे तीनों विदाउट फाउल कूदा था, कम कूदा। लेकिन और पिट कैसी बनी हुई है, ढलान में है चढ़ान में है? थोड़ी चढ़ान है, यहाँ सागर में तो थोड़ी चढ़ान है, मतलब हल्की सी है, उतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फिर वो भी ज़्यादा मैटर करती है, मायने कर रही है थोड़ी सी। मतलब पिट अगर थोड़ी सी, सागर का जो ग्राउंड है IGC उसकी पिट थोड़ी सी हल्की सी चढ़ान में है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को मैटर हो रहा है, हल्का सा उनको थोड़ा टफ हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से जो रेस ले रहे हैं तो उनको स्पीड नहीं बन पा रही है, स्पीड अपनी कर, जिसके कारण उनका स्कोरिंग कम हो रहा है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो इनका मेन मकसद बताने का ये है कि जो आप अपनी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको और इंक्रीज करें और वहाँ थोड़ा लेंथ थोड़ा कम लें, क्योंकि आप ज़्यादा दूर से जाओगे तो जल्दी थक जाओगे। थोड़ा 50 मीटर समथिंग या 40 मीटर, 50-30-40 मीटर के समथिंग दायरे में दौड़ें, आप 100 मीटर से बिल्कुल ना दौड़ें सागर IGC में। तो हाँ, तो ये यानी ज़्यादा दूर से ना अपने आप को, अगर ज़्यादा दूरी से ले रहे हैं तो आराम से आएँ पहले, और जैसे ही 20-30 मीटर बचता है उसके बाद स्पीड अप करें। हाँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इफेक्टिव हो जाएगा आपकी जंग। मतलब प्लान के हिसाब से ना करें कि आप यहाँ प्लान में कर रहे हैं और तो पहले से स्पीड अप होके जा रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा करेंगे। वेरी गुड। तो इसमें भी लॉन्ग जंप में भी जिस तरीके से हमारे मंगल ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा रनवे कम करना है, अपने रनवे को कम करके आप दौड़ोगे और पास जाके स्पीड अप करोगे तो ज़्यादा अपने आप को उछाल पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाओगे अपने लॉन्ग जंप के
परफॉर्मेंस में। उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें हो गई फिर आपका क्या हुआ? तीनों चीज़ें होने के बाद हम लोग को एक बेटिंग हॉल में बिठा दिया गया, वहाँ बढ़िया आराम से पानी आनी दिया गया और खाने के लिए भी दिया गया, बिस्किट दिया गया था, ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद बैठे रहे हम लोग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले अपन को जो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ है वो ले जाना है, जिसमें क्वालिफाइड लिखा है। अच्छा। दो एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्योंकि एक एडमिट कार्ड है वो लिख के देते हैं डॉक्यूमेंट सबमिटेड, एक वहाँ सबमिट करना है। दसवीं बारहवीं ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, अगर आप OBC से आते हैं तो आपको OBC का जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। स्टेट का भी ले जा सकते हैं, सेंट्रल का भी ले जा सकते हैं, उसमें ये इशू नहीं है कि आप स्टेट का ही ले जाएँ या सेंट्रल का ही ले जाएँ। और देन उसके बाद आपको रोज़गार पंजीयन ले जाना है। रोज़गार पंजीयन अगर आपका जब से फॉर्म भराया तब से अभी तक जीवित है तो वो अकेला चल जाएगा, अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो आपको फॉर्म के टाइम का भी ले जाना है और जो नया रिनेबल हुआ है उसको भी ले जाना है। ये एक बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जो उनका जो रोजगार पंजीयन जो एक्सपायर हो गया फिर उनने रिन्यू कराया, तो यानी दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं वो दोनों। अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आपको दोनों लेके जाना है, लेके जाना, एक्सपायर वाला भी लेके जाना है जब फॉर्म भरा था और रिन्यूअल वाला भी लेके जाना है। तो ये अच्छी बात है कि जो भी आपके जो रोजगार पंजीयन है अगर जो आपका एक्सपायर हो गया है तो वो भी ले जाएं और जो नया रिन्यूअल कराया है दोनों ले जाएं, तो दोनों को वो लोग मैच करके आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ सर, EWS में भी सेम कहानी है। अगर आपका EWS पहले का है जब फॉर्म भरा था तो वो भी लेके जाना है और नया भी लेके जाना है, दोनों लेके जाना है, तो दोनों मैच हो जा रहा है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और डाटा सभी में सेम होना चाहिए। हाँ, डाटा सेम होना चाहिए, अगर आपका पूरा डाटा मैच कर रहा है तो दोनों ही मैच हो जाएंगे, किसी भी बंदों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो बहुत से बंदे परेशान हो रहे हैं। और जिसके पास है भी नहीं तो वहाँ वो बाकायदा लिखवा लेते हैं कि अगले जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, किसी को बाहर नहीं करते हैं। अगर आपके पास कमी है डॉक्यूमेंट की किसी की भी तो आप आराम से उनको बता दें कि सर ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो वो आराम से लिखवा लेंगे आपसे कि आप अगले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें सबमिट कर सकते हैं। हाँ, यानी डॉक्यूमेंट की जो भी अगर आपकी कमी है उसमें आप अपना डरे ना उस समय, हाँ डरे ना, ज़्यादा परेशान ना हो, अपने फिजिकल को ख़राब ना करें, डॉक्यूमेंट में वहाँ पे वो सब आपका लिखवा लेंगे और जब फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग के समय उस समय आपको सारे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, है ना, इसी तरीके से ना जी। और इसमें सभी बंदों के लिए, और उधर का थोड़ा स्टाफ के बारे में बताइए। स्टाफ बहुत सपोर्टिव है सर, आराम से हम लोग गए थे तो हम लोग जैसे कोई ज़मीन में बैठ गया तो DIG साहब तुरंत आके बैठते हैं, इनको ज़मीन में कैसे बिठा दिया, चेयर ला के दो, तो सबको मतलब बहुत सपोर्टिव था। कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही तुरंत जाके बता सकते हो तो तुम्हारी पूरी हेल्प की जाएगी। जैसे मेरे पास वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड वाला नहीं था, मैं लेके नहीं गया था, तो मैंने सर से बोला सर मेरा ये नहीं, तो उन्हें आराम से बोलो डाउनलोड करके मेरे फ़ोन में भेज दो, मैंने उनको भेजा, देन वो फोटो कॉपी करा के मुझे दे के गए थे। अच्छा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम्हारी सॉल्व हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूँ, बहुत सपोर्टिव स्टाफ सागर का, तो बहुत सपोर्टिव है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्टिव स्टाफ बच्चों का क्या है, मोराल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, मोराल बूस्ट करता है, क्योंकि अगर हमारा स्टाफ अगर अच्छा है तो बच्चे बड़े अच्छे तगड़े तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर पाते हैं। यानी इन्होंने बताया कि जो सागर का स्टाफ है ये बड़ा ही सपोर्टिव है, ये सभी स्टूडेंट्स की बड़ी अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होने दे रहे हैं, हर चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करके आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है। तो ये हमारा मोटा मोटा ये एक रिव्यू था अपना IGC के बारे में, IGC ग्राउंड में जो कल से हमारा फिजिकल चल रहा है, आज भी हमारे कुछ बंदे गए हैं, ठीक है साथियों। तो जिस प्रकार हमारे मंगल सिंह ने बताया अपने पूरे रिव्यू, अपने पूरे फिजिकल सुबह से लेके एंड तक के सारे प्रोसीजर के बारे में बताया, ये हमारा वीडियो बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी देगा। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि तालियों के साथ इनका फिर से एक बार स्वागत करें। तो सभी एक बार बड़े जोर से और उत्साह के साथ भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता के! जय! के! जय! के! जय! के! जय!